करते। नमस्कार दोस्तों, हम अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरे सामने ये एक पल्सर की बाइक आई है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये झटके ले रही है, और अक्सर इन बाइकों में झटके लेती हैं तो किस कारण से झटके लेती हैं। कभी कभी हमारे पास फ़ोन आ जाता है और ये फ़ोन आता है कि भाई ये प्रॉब्लम कर रही, तो कभी कभी क्या होता है ये सर्किट में भी जल जाता है एक सर्किट, तो ये प्रॉब्लम करता है तो उसको हम सही कर देते हैं। जैसे क्या होता है सर्किट को, ये वाला सर्किट जो नीली दो तारे हैं उन तारों में जब वो हो जाता है तो हम इसको दोनों तार से यानी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने चेक किया है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा, इसमें कोई समस्या नहीं। तो जलने का जो निशान होता है यहाँ और यहाँ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब इसमें दोनों बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। अब दोस्तों हमने जो देखा चेक किया तो इसमें कंडेंसर देखा, कंडेंसर भी क्या होता है कि कंडेंसर देखिए हल्का सा फूला फूला नज़र आ रहा, कंडेंसर भी प्रॉब्लम करता है तब भी ये प्रॉब्लम होती। तो इसमें अभी चेक किया क्या हुआ, अब हम देखिए गाड़ी वालते हैं कि इसमें क्या हुआ था भैया। गाड़ी मैंने स्टार्ट करी तो अचानक स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसके बाद मुझे लगा कि शायद बैटरी प्रॉब्लम, बैटरी चेक कराई तो बैटरी का कनेक्शन हटाने को बोला गया कि मेरी बैटरी जो है वो डल है। तो जब बैटरी का कनेक्शन हटा के नॉर्मल भी किया तब भी ये झटके लेके चल रही थी जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उस तरह से एकदम झटके लेके चल रही थी लेकिन फिर भी चल रही थी, तो इसका मतलब मुझे लगा कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा देखिए, अगर हम बैटरी कनेक्शन लगा देते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी, हमने जब बैटरी कनेक्शन लगाया तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, और हम इसको देखा कि इसमें कंडेंसर लगा चेक किया। अब देखिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके मिसिंग करती है। अब स्टार्ट करो भैया ज़रा इसको, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये मिसिंग कर रही है, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए ये जो लाइट है ये भी यानी आ रही है और जा रही है इस तरीके से, यानी ये किसी टाइम आती है किसी टाइम चली जाती है, इस तरीके से ये लाइट यानी हरी लाल जलती है फिर चली जाती है। दोस्तों इसको देखिए हम सही कैसे करते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया और इसको हमें देखा, मेरे हाथ में एक कंडेंसर है, देखिए दोस्तों ये कंडेंसर मिसिंग को भी सही करता है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी आई जो तो CVG आई, तो CVZ में हमने देखा कि ये कंडेंसर लगाया हमने, और जब कंडेंसर लगाया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। CVG में भी लगाया तब, और एक गाड़ी जो बजाज की और अदर गाड़ी होती हैं तो उसमें भी देखा कि ये कंडेंसर अगर हट जाता है तब भी दिक्कत करता है, जैसे 100 CC डिस्कवर, 125 CC डिस्कवर, इन सब में अगर कंडेंसर शॉर्ट हो जाता है या तार टूट जाता है तो इन सब यानी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। अब देखिए दोस्तों, अब ये देखें, अब ये लाइट जल रही और बंद हो रही इस तरीके से यानी प्रॉब्लम कर रही, और हम इसको रेस देते हैं तो ये देखें, अब ये इस तरीके से देखें तो ये यानी दम तोड़ती ही चल रही इस तरीके से कर रही है। दोस्तों मेरे हाथ में देखिए कंडेंसर है, हम उस कंडेंसर का लगा चेक करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें देखिए ये लिखा हुआ है जो कि ये लोकल कंडेंसर है, इसको लिखा हुआ इस तरीके से हमने इसे लगाया, और दोस्तों देखें, देखो दोस्तों देखिए इसके साथ ये छोटा सा रिले है और इसमें भी ये चिट चिट चिंगारी मार रहा, यानी ये इस तरीके से कर रहा, इस मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन ये यानी ब्लिंक कर रहा है इस तरीके से यानी ये कर रहा। अब देखो दोस्तों हम इसको जैसे लगाते हैं, अब देखें दोस्तों हमने लगा दिया, अब देखें उसमें भी लाइट, अब देखें बिल्कुल फ्लो में आ गया। अब देखें दोस्तों, अब इसकी लाइट बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, इसकी रेस भी बढ़ गई। अब इसमें रेस लेके देखें, देखें इसमें रेस लेके देखें, देखें बिल्कुल रेस सही ले रही है। और इधर दिखाइए भैया, अब जैसे हम हटाते हैं इसको, जैसे हम हटाते हैं, अब हटा दिया तो देखें ये इस तरीके से अब ये बिलिंग करने लगा। तो इसमें दोस्तों ये कंडेंसर शॉर्ट होने पर भी ये प्रॉब्लम होती है, तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है कि कंडेंसर इसमें चेंज करें और सही हो जाएगी प्रॉब्लम। अब देखें दोस्तों रेस लें, अब कोई मिसफायरिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब इस तरीके से कोई मिसफायरिंग नहीं हो रही और बिल्कुल सही आ रही। अब दोस्तों हमने इसको रख लिया, अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें ये मेरे पास एक कंडेंसर हमने लिया कंपनी का, इसको हमने क्या किया कि यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया है,
पे देखा दोस्तों, स्टार्ट करिए। कंडेंसर इसका शॉर्ट था, अब देखें मीटर में लाइट भी जल रही, वो भी काम कर रहा और कोई मिसफायरिंग नहीं कर रही, और ऐसे में क्या था कि ये सब कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। इस तरीके से दोस्तों ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है उसके विषय में हम आपको बताते रहें दोस्तों, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्निकल बातें आप समझें और सीखें। और दोस्तों जो भी आपका कमेंट होता है उसको ज़रूर बोलें दोस्तों, कि जिससे कि आप जो बोलें हम उसको बता सकें और समझा सकें और सिखा सकें। नमस्कार दोस्तों।